बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे पास ये एक आयरन इस्त्री मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी इस्त्री कपड़े प्रेसिंग के दौरान ओवर हीट हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो सूट हैं वो जल जाते हैं, या फिर अगर आपकी इस्त्री की स्पीड बहुत कम है और वो हीट ही नहीं हो रही और प्रेसिंग के दौरान बहुत ज़्यादा टाइम के साथ कपड़े प्रेस होते हैं, तो उसकी स्पीड को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ओवर हीट को आप किस तरह से कम कर सकते हैं, और बिल्कुल लो हीट को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एडजस्टमेंट आप कैसे इसकी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे पास ये जो इस्त्री मौजूद है ये बिल्कुल 50% से अबव जाके स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% से भी आगे हमारी ये इस्त्री ऑन हो रही है। अब हमने यहाँ पर इसकी स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो मोनोग्राम की पत्री टाइप लगी होती है, हमने उसे उतारा हुआ है, और इसके स्क्रूज के साथ यहाँ पे आपको एक होल नज़र आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें होल है, और होल के नीचे यहाँ पे एक स्क्रू शॉट लगा हुआ है, जिसके ज़रिए हमने इसकी स्पीड को एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कट सा लगा हुआ है, ये स्क्रू है जहाँ से हम इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि लो स्पीड को हाई स्पीड में और हाई स्पीड को हम लो स्पीड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक और इस्त्री खोली हुई है और आपको यहाँ पर हम इसकी एडजस्टमेंट दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट वर्किंग करती है। आप इजीली अपने घर में सिर्फ एक टेस्टर की मदद से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाने के लिए एक और इस्त्री को ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये एडजस्टेबल स्क्रू आप देख सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इस्त्री की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्क्रू लगा हुआ है जिसको अगर हम टाइट करेंगे तो हमारी इस्त्री की स्पीड कम होगी, यानी कि लो स्पीड में चली जाएगी हमारी इस्त्री, और जैसे ही हम इस स्क्रू को लूज़ करेंगे यानी कि खोलना शुरू करेंगे तो हमारी इस्त्री की स्पीड तेज़ हो जाएगी, यानी कि इसको अगर हम क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो हमारी इस्त्री लो स्पीड में चली जाएगी, इसकी स्पीड कम होगी, और एंटी क्लॉकवाइज हमारे इस स्क्रू को लूज़ करने से एंटी क्लॉकवाइज हमारे इस्त्री की स्पीड तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपने अपने इस्त्री की स्पीड को कम करना है तो आपने टेस्टर की मदद से इस स्क्रू को 1.5 से 2 राउंड घुमा के टाइट करना है, जिससे कि आपकी इस्त्री की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आपने स्पीड को बढ़ाना है तो आपने उसी टेस्टर की मदद से इस स्क्रू को 1.5 से 2 राउंड यानी कि 1.5 से 2 चूड़ियाँ ही लूज़ करना है, ओपन करना है, ज़्यादा नहीं करना, उससे कि आपकी इस्त्री की स्पीड तेज़ हो जाएगी। 1.5 से 2 राउंड इसको घुमाने से इस्त्री की स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस्त्री मौजूद है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 50% से भी अबव जाके स्टार्ट होती है। हम यहाँ पे टेस्टर से इसके स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम उसके हल्का सा टाइट करते हैं हमारी इस्त्री बंद हो जाती है, बिल्कुल पावर ऑफ हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी इस्त्री यहाँ पर स्पीड पर इस पॉइंट पर आके स्टार्ट हो जाए, तो हमने उस स्क्रू को लूज़ करना है, यानी कि बैक साइड पर एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। हम टेस्टर की मदद से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। घुमाते हुए आपने ख्याल करना है कि आपने सिर्फ 1.5 से 2 राउंड ही घुमाना है, ज़्यादा इसको नहीं घुमाना, और ये काम आप स्विच निकाल के करेंगे क्योंकि ये टेस्टर जो है इस्त्री की बॉडी के साथ बिल्कुल टच हो जाता है, जिससे कि इस्त्री के शॉर्ट होने का ख़तरा है। आपने स्विच निकाल के इसको टेस्टर की मदद से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे कि आपकी इस्त्री की स्पीड बढ़ जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारी इस्त्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी करीब हो चुका है, यानी कि हमारी इस्त्री की स्पीड बढ़ चुकी है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।